गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज़ विश्वंभर राय। और वीडियो देखने से पहले सबसे पहले बिल्कुल मुफ्त में आप इस रेड बटन को दबा दीजिए और जो बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको मिल सकें। और आपको बता दें कि इस चैनल पर जितनी भी नई परियोजनाएँ चालू हो चुकी हैं और जितनी भी बेसिक नॉलेज हो सकती है जॉब वगैरह, वो इस पर प्रोवाइड आपको हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बीच में स्किप करने की गलती मत कर देना, क्योंकि दिल से अगर आप चाहते हैं कि सरकार कैसे चलती है, क्रियान्वयन कैसे होता है, पूरी जानकारी, बारीक से बारीक जानकारी अगर आप लेना चाहती हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए, आपकी इसमें जिम्मेदारी है। चलिए तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी देश की राजनीति और उस देश के क्रियान्वयन या उस देश की सरकार चलने के पीछे मुख्यतः तीन प्रमुख अंग होते हैं उस देश के। वो क्या होते हैं, जैसे कि आप पहले भी कभी सुन चुके होंगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ये तीन चीज़ें हैं क्या, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है और विधायिका क्या है। तो आप बिल्कुल भी निष्फिक्र हो जाइए, इस वीडियो में ये आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल बारीकी से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझेंगे कि हम विधायिका क्या है, क्योंकि विधायिका के ऊपर सब कुछ निर्भर है। समझिए कि 50% पार्ट जो देश का चलता है वो विधायिका से चलता है। ठीक है, तो विधायिका क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि जो नियम कानून बनते हैं सारे वो विधायिका के अंतर्गत बनते हैं। ये समझिए कि जो नियम बनाता है वो विधायिका बनाता है। अब विधायिका है क्या, तो आपको बताएँ कि जो विधायिका है उसमें दोनों सदनें देश की, लोकसभा और राज्यसभा। आप मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिएगा कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। आप अभी आपको इसमें शॉर्ट में बता दूं कि लोकसभा है, जो राज्यसभा है उसके जो सदस्य होती हैं देश, पूरे देश से चुनकर आते हैं और जो नियम कानून बनता है उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, उस पर अपना मत देते हैं, जिससे वो पास होकर आगे राष्ट्रपति के पास जाता है। इतना समझिए, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति से साइन लेकर फिर वो जाता है न्यायपालिका के पास। ठीक है, तो ये प्रक्रिया रहती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो विधायिका है उसमें पूरी सरकार आती है, प्रधानमंत्री से लेकर उसके मंत्रिमंडल तक, जो पूरी दोनों सदनें हैं, पूरा देश में जो कुछ मैटर होता है वो विधायिका के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गई विधायिका की बात। अब है कार्यपालिका क्या है। दोस्तों, जैसे कि विधायिका ने अपना नियम कानून बना दिया, अब उसको चलाएगा कौन, देश में लागू कौन करेगा, तो दोस्तों ये पूरा कार्य लागू करने का, चालू करने का काम कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन होते हैं, इसमें दोस्तों पूरे मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री होता है और देश में जितने भी कलेक्टर, SDM होते हैं, जितने भी सिविल सर्विसर होते हैं, वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कभी कभी कहते हैं कुछ लोग दोस्तों कि कार्यपालिका विधायिका का ही अंग है, मतलब उसके ही अंतर्गत आता है। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि विधायिका में जो प्रधानमंत्री चुना जाता है वो भी लोकसभा से चुना जाता है और जो उसके सदस्य होते हैं वो दोनों सदनों से चुने जाते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सदनें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, इस कारण हम कार्यपालिका को विधायिका का अंग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कार्यपालिका। अब बात आती है कि न्यायपालिका क्या है, तो आपको बता देंगे जैसे कि विधायिका ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, कार्यपालिका ने वो काम कर दिया, मतलब वो चलाने का काम कर दिया, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। ठीक है, जिस विधायिका ने कोई कानून बनाया, लोकसभा से पास हो गया, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी देश का जब कोई प्रधानमंत्री होता है, जैसे मान लीजिए अभी अपने देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका दोनों सदनों में बहुमत तो होगा कि नहीं होगा, लोकसभा से आए तो लोकसभा में उनका बहुमत होगा, जब तो वह देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरा मतलब कि उनके लोगों की संख्या लोकसभा में ज़्यादा होगी, और अगर ज़्यादा होगी तो आसानी से कोई भी पास हो जाएगा, आसानी से उनको वोटिंग मिल जाएगी, जितने भी सदस्य होंगे वो आसानी से वोटिंग कर देंगे उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझिए, आपके अगर वो आसानी से वोटिंग करवा लेंगे तो उनका तो बिल लोकसभा से पास हो जाएगा और राज्यसभा से तो वैसे ही पारित हो जाएगा। ठीक है, अब बात आएगी राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति तो मोहरा होता है, आसानी से कर देता है किसी भी बिल पर साइन। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाएगी। अब लास्ट में जो स्टेज होती है वो होती है न्यायपालिका की, जुडिशरी की, लेकिन जो जुडिशरी होती है वो ऐसे काम नहीं करती है, किसी के अंतर्गत नहीं आती, इसी कारण हमारे देश में जुडिशरी को, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, उस पर किसी का भी जोर नहीं चलता है। अगर प्रधानमंत्री या कोई विधायिका कोई भी कानून गैर कानूनी रूप से बनाती है तो उसको न्यायपालिका खारिज कर सकती है, पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसी कारण दोस्तों हमारे देश में जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रखा गया है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो समझाया कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको काम करने का काम करती है, चलाने का काम करती है, और न्यायपालिका उसको मॉनिटरिंग करती है कि ये सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमारे देश की सरकार चलती है।
और अगर इन तीनों की बात करें तो हमारे देश की सरकार मुख्य रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से सिर्फ कार्यपालिका चलाती है। अगर कार्यपालिका हमारे देश में ना हो तो हमारे देश की दुर्दशा बहुत बुरी हो जाए। तो जो हमारे देश में कलेक्टर हैं, SDM हैं, MLA हैं, सब मिलकर हमारे देश को चलाते हैं, ना कि कोई विधायक चलाता है, ना कोई नेता चलाता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन की हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।